कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या है यह आरोप और भारत सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सागर और आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच को लेकर कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। खबर है कि कनाडा ने निज्जर की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने के आरोपों की जाँच तेज कर दी है। ट्रूडो ने इस मामले को संसद में भी उठाया और बताया कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी इसे लेकर सवाल किया गया था। निज्जर की 18 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ट्रूडो का कहना है कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां निज्जर की हत्या की जांच कर रही हैं। उन्होंने संसद को बताया कि पीएम मोदी से कहा गया है कि इस मामले में भारत सरकार किसी भी तरह से शामिल होती है तो ये स्वीकार्य नहीं होगा और जांच में सहयोग की मांग भी की है। बता दें कि इन आरोपों को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत किसी भी तरह से कनाडा में हिंसा में शामिल नहीं है। साथ ही पलटवार किया है कि पीएम ट्रूडो के आरोप बेतुके हैं। कनाडा सरकार ने आशंका जताई थी कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है और कहा है कि इस मामले की जांच जारी है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, कनाडा में हुई हिंसा में भारत सरकार के शामिल होने के आरोप बेतुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री के सामने भी लगाए गए थे और उन्होंने पूरी तरह इन्हें खारिज कर दिया था। साथ ही भारत ने कनाडा पर खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों को पनाह देने के भी आरोप लगाए हैं। भारत ने कहा है कि कनाडा के कई नेता खुलकर ऐसे तत्वों के लिए हमदर्दी जाहिर कर चुके हैं। सरकार ने इसे बड़ी चिंता का विषय बताया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध समेत कई गैर कानूनी गतिविधियों की बात नई नहीं है। हम ऐसी किसी भी घटना से भारत सरकार को जोड़ने की कोशिशों को खारिज करते हैं। कनाडा सरकार से भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और असरदार कार्रवाई की मांग की है। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF के अलावा सिक्स फॉर जस्टिस का भी बड़ा नाम रहा है। लेकिन आखिर कौन था हरदीप सिंह निज्जर जिसकी वजह से भारत और कनाडा के बीच तनाव बना हुआ है? अधिकारियों ने बताया कि निज्जर पंजाब में जलंधर के भारसिंहपुर गांव का रहने वाला था। खबर है कि खांडा और निज्जर ने भारतीय उच्चायोगों के बाहर प्रदर्शन किया था, साथ ही दोनों भारत में आतंकी हमले कराने में भी शामिल रहे थे। NIA ने जालंधर में 2021 में एक हिंदू पुजारी पर हमले के मामले में निज्जर की गिरफ्तारी में सहायता के लिए सूचना देने पर पिछले साल जुलाई में 10 लाख रुपए नकद इनाम की घोषणा की थी। इससे 3 महीने पहले ही NIA ने हमले के सिलसिले में उनके और 3 साथी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। जांच एजेंसी के अनुसार निज्जर भारत में खालिस्तान समर्थक समूह सिक्स फॉर जस्टिस के अलगाववादी और हिंसक एजेंडा को भी बढ़ावा दे रहा था। इसके अलावा वो आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू और परमजीत सिंह पम्मा के साथ भी सिक्स फॉर जस्टिस के तहत काम कर चुका है। आपको बता दें कि SFG को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2021 में बैन कर दिया था। खैर, जस्टिन ट्रूडो के इन आरोपों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल द वोकल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ डेली खबरों के लिए हमारी वेबसाइट thevocalnews.com को भी विजिट कर सकते हैं।